तो ये गोदी मीडिया यही करते हैं, 75 गोदी मीडिया को दिखा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 25% जो बच रहा है वो कांग्रेस के दिखाते। तो सर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं गोदी मीडिया वैसे खेल कर देता है, मगर जब लाइव सर्वे चलता है तो राहुल आते हैं। मैं वही एक चीज आप समझाना चाह रहा हूँ, वो फ्लाइंग किस पे बात कर रही है, ये सब हवा हवाई चीज है, जनता का मूड भटकाने के लिए इस तरह की बातें आरोप लगाती हैं, ये भी बड़ा बेशर्मी की बात है। स्मृति ईरानी बम्पर मतों से हारेंगी, हो सकता है उनका हार्ट अटैक भी हो जाए। क्या हो जाए? हार्ट अटैक। हनुमान के मंदिर के सामने मैं कसम खाता हूँ कि राजनीति से कुर्ता पैजामा यही जलाकर घर चला जाऊंगा। क्या बात है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। जब से ऐलान भर हुआ है, फिलहाल ये ऐलान अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना कहा भर गया है अजय राय की तरफ से कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी का क्या होगा, मीडिया लगातार ये सवाल कर रहा है। और आलम तो ये हो चुका है कि आज तक ने तो एक सर्वे तक चला दिया, आज तक ने सवाल किया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर अमेठी से चुनाव लड़ा जाएगा, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा तो कौन जीतेगा। पब्लिक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सर्वे के जो नतीजे हैं वो हैरान करने वाले हैं। नतीजे आपको बता देती हूँ, 76% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी में जीत जाएंगे, वहीं 24% लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी जीतेंगी। 2 लाख से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। फिलहाल अगर बात सर्वे की हो रही है तो यहाँ पर जमीनी हकीकत भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आता है अमेठी और यूपी तक का है ये सर्वे, तो ये सर्वे कितना असल है कितना असल नहीं है, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक की ही राय आपको बताते हैं। क्या लगता है सर, अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति कौन जीतेगा? देखिए, राहुल जी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राहुल जी गरीबी बेबसी लाचारी पर अध्ययन करके जनता के बीच जा रहे हैं, तो और पिछली बार क्यों हार गए थे, उनके दिलों की बात को सुन रहे हैं। देखिए, जब की बात आप बता रहे हैं तब भी VIP में राहुल जी अपने को सोच रहे थे, चूंकि उनके पूर्वज देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके गोद में खेले थे, तो वो बहुत बड़ा हाई फाई समझ रहे थे, लेकिन उनको धरातल नजर आ गई। जब चुनाव हार गए तब उन्हें समझ में आई कि ये जनता है, जनता के बीच में रहकर ही हम चुनाव जीत सकते हैं, और जनता, गरीब जनता की बेबसी लाचारी पर जब हम अध्ययन करेंगे, उनकी जो है दर्द को देखेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तब हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतना अब इतना आसान नहीं रह गया कि वहीं से अनाउंस कर दिए और चुनाव जीत गए। क्यों, स्मृति ईरानी कहती है हमने जमीन पे काम किया तो जीते हैं। जमीन पे काम किया नहीं, उन्होंने भी बरगला है जनता को, उन्होंने तरह तरह के वो सपने दिखाए, हसीन सपने दिखाए कि हम आएंगे तो 13 रुपया किलो चीनी और सिलेंडर जो है सस्ता करेंगे, 350 था तो और कम करना चाहिए था, लेकिन 1400 शायद हो गया, 1300 हो गया, तो ये महंगाई पे उन्होंने कभी नहीं बोला। और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर कभी भी नहीं बोला, चाहे हरियाणा हो और चाहे जो मणिपुर हो, कभी भी उन्होंने आवाज नहीं खोली। राजस्थान पे तो बोला सर, राजस्थान पे या पश्चिम बंगाल पे बोला। देखिए, देश में कहीं भी महिलाओं के ऊपर कोई उत्पीड़न होता है तो महिला के नाते उन्हें बोलना चाहिए, या कोई भी इंसान है इंसानियत के नाते बोलना चाहिए, लेकिन ये पार्टी देखकर या सरकार देखकर नहीं बोलना चाहिए। महिला के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो बोलना चाहिए। और आप तो नेता हो गई हैं, आप कभी सास भी कहीं कभी बहू थी, उसमें आपने रोल किया था, तब आप बहुओं का बहुत दर्द समझती थी, लेकिन आज क्या है, महिला का दर्द समझती तो है, फ्लाइंग किस पे बात कर रही है? वो फ्लाइंग किस पे बात कर रही है, ये सब हवा हवाई चीज है, जनता का मूड भटकाने के लिए इस तरह की बातें आरोप लगाती हैं, ये भी बड़ा बेशर्मी की बात है कि लोकसभा में इस तरह की बात कह रही हैं। मैडम जी, आप बताइए, अभी जो ट्वीट किया गया था जमीनी स्तर, गरीब मजदूर किसान कोई ट्वीट चलाता है? ईमानदारी से बताइएगा, जितने ट्वीट चलाते सब पढ़े लिखे और सब बीजेपी के जो क्लोज वोट होते हैं उन्हीं लोग चलाते हैं और सभी लोग चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ट्वीट का सर्वे, अगर ये ट्वीट के सर्वे जब 75% कांग्रेस राहुल भाई के हित में आ सकता, तो वहाँ के जनता मन बना ली है अमेठी के, अमेठी के अलावा पूरे इंडिया के 140। तो सर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं गोदी मीडिया वैसे खेल कर देता है, मगर जब लाइव सर्वे चलता है तो राहुल आते हैं। मैं वही एक चीज आप समझाना चाहता, अगर ये लाइव सर्वे नहीं होता मैडम जी ना, तो ये गोदी मीडिया यही करते, 75 गोदी मीडिया को दिखा देते कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 25% जो बच रहा है वो कांग्रेस के दिखाते। लेकिन जो आप लोग के आशीर्वाद से जो आप लोग ऑनलाइन जो सर्वे करा रही हैं, आप देख लेना राहुल भाई पूरे इंडिया में, अमेठी के तो है ही है, पूरे इंडिया में
जो इंडिया का आप लोग गठबंधन के वो नाम दिए हैं, 75% प्लस हो सकता, उससे माइनस नहीं हो सकता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्या कह रहे हैं सर? अमेठी में स्मृति वर्सेस राहुल कौन आगे? बस हम सिर्फ अमेठी के बारे में ही बात करेंगे, बाकी हम कोई बात नहीं करेंगे। चलिए जो करना करिए। और सच्चाई ये है कि इस बार स्मृति ईरानी की संभवतः हमको लगता है कि उनकी जमानत न जब्त हो जाए। राहुल बड़ी बात कह दी आपने, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो सकती है, इसमें संदेह न करिएगा। स्मृति ईरानी तो छाती ठोक कर कहती है हमने राहुल को निकाला कर दिया। वो अभी भाई साहब ने बताया ना खड़े थे अभी कि जनता किसी के गुलाम नहीं होती। जब तुम जनता से मिलोगी नहीं तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि तुम्हारे चमचे जो है उनके माथे जो है उनके सहारे काम करेगी। क्या बात कर रहे हैं सर, 13 रुपए किलो चीनी दी जा रही, रोजगार दिया जा रहा, अमेठी का विकास हो रहा। मैं कोई बात नहीं करूंगी ना महंगाई पर ना और किसी चीज पर। स्मृति ईरानी बनाम राहुल, आपने कहा राहुल गांधी फर्स्ट क्लास मतों से जीतेगा। क्यों 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 कैसे जीतेगा? इसलिए कि उसको एक बार भूल हो चुकी है। अच्छा। वो भूल हो चुकी है अभी तक। वो जैसे भाई बताए ना कि अभी कौन बताया अभी ना कि वो अभी तक वसीयत पाए थे तो अपने वीआईपी समझते थे। अब वो समझ गए कि जो जनता क्या होती है। जनता ने झटके में समझा दिया, अब उनकी समझ में आ गया है। अब खुद ही कहते हैं कि मैं अब वो राहुल नहीं हूँ जो पहले था, अब मैं राहुल बदल चुका हूँ। तो जनता हर चीज राहुल जनता को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम अमेठी की बात कर रहे हैं और हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अमेठी की। अमेठी में बम्फर मतों से जीतेगा राहुल, स्मृति ईरानी बम्फर मतों से हारेंगी, हो सकता है उनका हार्ट अटैक भी हो जाए। क्या हो जाए? हार्ट अटैक। साहब सब लोग यहाँ प्रबुद्ध खड़े हैं, अब राहुल गांधी का कंपैरिजन अगर स्मृति ईरानी से हो रहा है, अभी मेरे भाई ईरानी नहीं ईरानी वही ईरानी उतका कौन ईरानी है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन स्मृति के बारे में मैं जरूर जानता हूँ कि कभी चैनल में वो बोला करती थी, वो क्राइम रिपोर्टर थी। अब मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहता हूँ कि राहुल गांधी से इनसे लड़ाई कहाँ, लड़ाई जहाँ 70 और 30 के मध्य फंसी हुई है। राहुल की लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये देश की है, हिंदुस्तान की जनता का है। राहुल हरा पाएंगे इस बार स्मृति को? पब्लिक हरा देगी, जमानत नहीं बचेगी। अभी मेरे भाई ने कहा था अगर जो जमानत बच गई, यही से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी, उसी अमेठी से, जिस अमेठी से आपने इतिहास। जब चुनाव हो जाएगा तो मैं यहाँ वापस आऊंगी। बिल्कुल हम यही रहेंगे, देखेंगे जमानत कितनी जब्त होगी। ऐसा है कि मैं 80 से यही हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक रहूंगा। आपको मैं कार्ड अपना दे देता हूँ। हाँ, और रह गया सवाल कि लड़ाई क्लियर है बहन, लड़ाई कहीं नहीं है। अब किसी को नहीं रोशनी मिल रही है तो मैं उसकी बात नहीं करता, लड़ाई है ये नहीं है, लड़ाई उत्तर प्रदेश और देश लड़ चुका है, लड़ाई महंगाई लड़ चुकी है, लड़ाई बेबसी लड़ चुकी है, लड़ाई बेरोजगारी लड़ चुकी है, लड़ाई आज संविधान लड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि लड़ाई कहीं नहीं है 2024 में, लड़ाई नहीं है। सब तो एक अनोखी बात कह रहे हैं कि स्मृति राहुल लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये नहीं है राहुल, लड़ाई ये नहीं है। मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ, अगर आज मैं कह रहा हूँ कि लड़ गई वहां तो अगर जो जीत जाएंगी तो मैं राजनीति से हनुमान के मंदिर के सामने मैं कसम खाता हूं कि राजनीति से कुर्ता पैजामा यही जलाकर घर चला जाऊंगा। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखिए, कहा जा रहा है लड़ाई नहीं, क्या कह रहे हैं जनतक जो हमारे राय साहब का है, ये रियल में अमेठी से स्मृति ईरानी तो एकदम फाइट में है ही नहीं है। कोई फाइट में नहीं, स्मृति ईरानी व्यक्तिगत रूप से फाइट में नहीं है, नहीं है। तो जनता फैसला ले जाओ, जनता फैसला लेगी। 24 में फैसला आएगा कि स्मृति वर्सेस राहुल में कौन आगे जाएगा। फिलहाल आज तक का सर्वे कहता है कि राहुल आगे हैं। यहाँ पर पब्लिक कहती है कि राहुल आगे हैं और कुछ राजनेता भी कहते हैं कि राहुल आगे, और अगर राहुल इस बार आगे नहीं रहेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। फिलहाल इस पब्लिक सर्वे पर आपका क्या कहना है कि अगर आज 2024 की जो सीट है अमेठी की उस पर चुनाव हो जाए तो कौन आगे निकलेगा? सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।